माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक तो सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए और इसी के साथ साथ जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, वो 5 सितंबर को ना मनाकर बल्कि 3 जनवरी को घोषित करना चाहिए और इसी के साथ साथ में भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाना चाहिए। ये मेरी खास गर्भवती कर दी गई है तो आप सोच सकते हैं कि उस समय किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह से विधवा महिलाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था, किस तरह से विधवा महिलाओं को जो उनका ही बच्चा होता था उनको भी पालने पोसने की आजादी नहीं थी, उसको कहीं ना कहीं कलंकित रूप से देखा जाता था, जबकि गलत काम पुरुष करते थे, लेकिन उसका एहसास हुआ कि शिक्षा मेरे जीवन में कितनी जरूरी है। अगर मैं शिक्षित होती तो इस पुस्तक को पढ़ सकती और इस पुस्तक में क्या लिखा है मैं भली भांति जान सकती और इसका जवाब मैं अपने पिताजी को जरूर देती। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं NB News 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सबसे पहले आपको नव वर्ष और सूर्य दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही जनवरी का महीना आता है तो बहुजन महान पुरुषों के इतिहास की गाथाएं शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप सभी ने सूर्य दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया और सूर्य दिवस का जो इतिहास रहा वो भली भांति आप लोग जानते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का प्रचलन है और सोशल मीडिया के प्रचलन के तहत आपने सूर्य दिवस की उन गाथाओं को भी जाना जिस तरह से आपके मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था। तो साथियों, बड़े ही गर्व का दिन था 1 जनवरी सन 1818। और साथियों, अब मैं आती हूँ दूसरी कड़ी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 जनवरी सन 1831 को इस देश में एक ऐसी हस्ती पैदा हुई जिस हस्ती ने इस देश में शिक्षा की अलग जगाकर प्रथम शिक्षिका के रूप में अपना नाम गौरवान्वित अक्षरों में दर्ज करा दिया। लेकिन विडंबना है कि आज की मनुवादी सरकारें उनको ना तो सिलेबस में पढ़ाने का काम करती हैं और ना ही किसी तरह से उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित करती हैं और ना ही किसी तरह से उनके नाम पर कोई पुरस्कार या कोई अवार्ड देने का काम करती है। लेकिन साथियों, आज हम पढ़े लिखे लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि इस देश में सच्चे महानतम काम करने वालों लोगों का हमें प्रचार प्रसार करना है, ताकि उस समाज के लोग भी जाने कि इस समाज से जुड़े हुए लोगों का इस देश के लिए क्या संघर्ष रहा, क्या बलिदान रहा, क्या समर्पण रहा। साथियों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसी हस्ती की जिसका जन्म 1 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र में हुआ और एक माली परिवार में हुआ। यो तो बहुत सारी वीरांगनाओं को स्कूल के कॉलेज के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज भी बहुजन समाज की बहुत सारी नायिकाएं ऐसी हैं जिनको कि स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ना ही इनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई एक भी घटना का क्रम किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं लगाया जाता। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आज की मनुवादी सरकारें हमारे बहुजन नायक नायिकाओं को हाशिए पर धकेलने का काम कर रही हैं। साथियों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हम कौन सी सावित्रीबाई फुले की बात कर रहे हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि हम किसी नई नारी को महान बनाकर आज उसको प्रचारित व प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। 150 साल पहले का इतिहास उठाकर देखिए कि उस समय में जिस समय पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास चरम सीमा पर था, जिस समय महिलाओं को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, जिस समय महिलाओं को शादी से पहले अपने पिता के अधीन, शादी के बाद अपने पति के अधीन और वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र के अधीन रहना पड़ता था, इस तरह की परंपराओं को तोड़ने का काम बहुजन नायिकाओं ने बखूबी किया। उनमें से एक नाम है साथियों, माता सावित्री बाई फूले। जी हाँ, उनका जन्म एक माली परिवार में हुआ और उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से किया, लेकिन उस समय जो बाल विवाह की प्रथाएं थी तो बहुत ज्यादा समय तक लड़कियों को मायके में नहीं रोका जाता था और मात्र अल्प आयु की उम्र में ही उनका विवाह कर उन्हें ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता था। और इसी तरह से सन 1840 में सावित्रीबाई फुले का विवाह मात्र 9 साल की उम्र में 12 साल के ज्योतिराव फुले जी से कर दिया गया। और जब वो अपनी ससुराल में गई तो वहां पर जो उनके ससुर थे वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त थे और धर्म के ठेकेदारों के साथ उनकी बहुत उठ बैठ थी और कहीं ना कहीं वो उस मनुवादी विचारधारा को भी भली भांति फॉलो करते थे, जो विचारधारा इस देश की समस्त महिला जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी, उन्हें पुरुषों के अधीन रहने के लिए बाध्य करती थी। लेकिन साथियों,
मैं यहाँ पर एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगी और इस घटना के मार्फत मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सावित्री बाई फूले थी वो कितनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी और चीजों को खोजने की क्षमता उनकी कितनी तीव्र थी। साथ ही जब वो दुकान से कुछ खाने की चीजें लेकर लौट रही थी और रस्ते में उन चीजों को खा रही थी तो रस्ते में उन्हें एक पादरी दिखाई दिए और पादरी कुछ प्रार्थना कर रहे थे। वो वहां पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर उन चीजों को खाती गई और पादरी को देखती रही। पादरी ने जब प्रार्थना खत्म की तो उन्होंने कहा कि बेटा एक जगह बैठकर आपको खाना चाहिए, इस तरह से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरा ध्यान खाने पर नहीं लगाएंगे तो वो भी उचित नहीं है और आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आते रहेंगे, अलग तरह की चंचलता उत्पन्न होती रहेगी। ये बात बड़ी ध्यानपूर्वक उन्होंने सुनी और पादरी ने उनको एक बिस्किट का पैकेट दिया और उसके साथ साथ में एक पुस्तक भेंट की। और इस घटना को एक ब्राह्मण ने देखा जो कि उनके पिता के मित्र थे और जब सावित्री बाई फूले वो बिस्किट का पैकेट और पुस्तक घर लेकर पहुंची तो उन पर बहुत ज्यादा झाड़ पड़ी, क्योंकि जो ब्राह्मण व्यक्ति था उन्होंने उनके पिता के कान भर दिए थे और उन्होंने कहा था कि उस पादरी ने आपकी बेटी का धर्म भ्रष्ट कर दिया है और इससे तो हमारा धर्म अपमानित होता है। तब उस मात्र छोटी सी बच्ची के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा गलत क्या किया उन्होंने, मुझे खाने के लिए बिस्किट दिया और एक पुस्तक दी है। उसके मन में बहुत सारे सवाल आए लेकिन जैसे तैसे माँ ने उस बात को संभाल लिया और समझाया कि बेटा किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज नहीं लेते। ये बात कहकर उस समय उस बात को दबा दिया गया। लेकिन सावित्री बाई फूले, मैंने कहा कि जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी और उन्होंने उस किताब को खोलकर पूरी किताब को छाना, लेकिन विडंबना ये कि वो पढ़ना नहीं जानती थी और इसी बात का उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा मेरे जीवन में कितनी जरूरी है। अगर मैं शिक्षित होती तो इस पुस्तक को पढ़ सकती और इस पुस्तक में क्या लिखा है मैं भली भांति जान सकती और इसका जवाब मैं अपने पिताजी को जरूर देती। शिक्षा के अभाव में उस पुस्तक में लिखी गई उन चीजों को वो नहीं पढ़ पाई और जब विवाह के बाद उन्होंने ये बातें अपने जीवन साथी ज्योतिराव फूले को बताई तो वो बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिराव फूले जी भी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे और उन्होंने भी किस किस तरह से शिक्षा ली ये आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनके पिता जैसे कि मैंने कहा कि रूढ़िवादी परंपराओं में बहुत ज्यादा उलझे थे और वो कभी भी ज्योतिराव फूले को इंग्लिश का ज्ञान लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा उन्हें जो ब्राह्मणवादी लोग थे वो ये भटकाते थे कि अगर आपका बेटा इंग्लिश सीख जाएगा तो वो अंग्रेजों के साथ में ईसाई बन जाएगा जो कि हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान होगा। और इस तरह की बातें लगातार ब्राह्मणवादी लोग ज्योतिराव फूले जी के पिता में भरते रहते थे। लेकिन ज्योतिराव फूले भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और लगातार वो उन बातों के खिलाफ जाकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते रहते थे। और साथियों यही दौर रहा उन दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन का, क्योंकि ज्योतिराव फूले जी ने अपने जीवन संगनी सावित्री बाई फूले को पढ़ाने का प्रयास किया और जब दोनों वो खेत में होते थे और खेत में काम करने के बाद आप यकीन नहीं कर सकते कि किस तरह से ज्योतिराव फूले जो रेत होता था रेत पे चाहे तो अपनी उंगली के द्वारा उनको लिख कर समझाया करते थे, पढ़ाया करते थे, या फिर किसी भी पेड़ की टहनी तोड़कर उससे शब्द लिख कर उसका उच्चारण करके उन्होंने धीरे धीरे उनको पढ़ना सिखाया। लेकिन ये बातें ज्योतिराव फूले जी के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसी बात से नाराज होकर अपनी पूरी संपत्ति से ज्योतिराव फूले को बेदखल कर दिया और दोनों दंपत्ति को घर से बाहर निकाल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय घर से बाहर निकालना दोनों दंपत्ति जीवन के लिए कितना संघर्ष भरा रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगी फातिमा शेख जो कि मुस्लिम समाज से आती थी, उन्होंने इन दोनों दंपत्ति जीवन को शरण दी और साथियों यहाँ से शुरुआत होती है सही मायने में दोनों के जीवन संघर्ष की और उस आंदोलन की, जिस आंदोलन ने इस बहुजन समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को एक प्रथम महिला शिक्षिका देने का काम किया। और इसी के साथ साथ में उनके जीवन काल में जो संघर्ष चला, जो दौर चला, उसी के कारण सावित्री बाई फूले ने साथियों इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ, रूढ़िवाद परंपराओं के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ और जिस तरह से छुआछात पल रही थी उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। और इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म के ठेकेदारों से लोहा लेते हुए जिस शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया उसी शिक्षा को आगे प्रचारित प्रसारित करने का उन्होंने काम किया और उन्होंने सर समाज की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन धर्म के ठेकेदार जब सावित्री बाई फूले स्कूल में
पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़, गोबर और भी न जाने किस तरह से गंदी गंदी चीजें फेंकी जाती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगी मैं उनके हौसले का, उनके जज्बों का, कि उन्होंने उन सभी धर्म के ठेकेदारों का डटकर मजबूती से सामना किया और वो अपने थैले में एक साड़ी एक्स्ट्रा रखकर लेकर जाती थी। तो साथियों, इन चीजों से हम सोच सकते हैं कि किस तरह से बहुजन समाज की नायिकाओं ने बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष किया है, लेकिन आज की मनुवादी सरकारें उनके संघर्ष को लगातार दबाती आ रही हैं। साथियों, यहां पर बताना चाहूंगी कि सन 1848 में महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल माता सावित्री बाई फूले ने खोला था। उसी के साथ साथ में 1854 में जो विधवाओं के लिए एक वृद्धा आश्रम की स्थापना की गई और एक अनाथ आश्रम स्थापित किया गया, उसके पीछे यही कारण था कि उस समय जो बाल विवाह होते थे और उसके कारण बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती थी, क्योंकि उनके पति अल्प आयु में मर जाते थे और जो विधवाएं महिला रहती थी उनका शोषण कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार के द्वारा, चाहे वो जेठ हो, देवर हो या उनके ससुर हो, वो करते थे और उनके दुष्कर्मों का परिणाम उन महिलाओं को झेलना पड़ता था। और जब उनको नवजात शिशु होते थे तो वो उसको बाहर फेंकने का काम करती थी। और इसी काम को रोकने के लिए ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले ने आंदोलन खड़ा किया और एक विधवा आश्रम और बाल आश्रम की स्थापना की, जिसमें कि इस तरह के बच्चों का पालन पोषण किया जा सके और उनको अच्छी परवरिश दी जा सके। साथियों, एक समय की बात है, जब ज्योतिबा फूले घर लौट रहे थे तो रात्रि में एक ब्राह्मण महिला कुएं के पास जाकर आत्महत्या कर रही थी, लेकिन ज्योतिबा फूले ने उस महिला को रोका और कारण पूछा तो पता चला कि वो अपने ससुर के द्वारा गर्भवती कर दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह से विधवा महिलाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था, किस तरह से विधवा महिलाओं को जो उनका ही बच्चा होता था उनको भी पालने पोसने की आज़ादी नहीं थी, उसको कहीं ना कहीं कलंकित रूप से देखा जाता था, जबकि गलत काम पुरुष करते थे लेकिन उसका खामियाजा इन महिलाओं को भुगतना पड़ता था। तो ज्योतिराव फूले उस महिला को अपने घर पर लेकर गए और जब उस महिला की डिलीवरी हुई तो वो बेटा हुआ और डिलीवरी के टाइम पे उस महिला की मृत्यु हो गई और उस बच्चे को माता सावित्री बाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने यशवंत नाम दिया और उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा डॉक्टर बना। और उन्होंने माता सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर हर आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और लोगों के घर जाकर उनको निःशुल्क उपचार मुहैया कराया, उनको दवाइयां मुहैया कराई। और इसी के साथ साथ साथियों, 24 सितंबर 1873 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इस आंदोलन को वो बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। और इसी के साथ में सहयोग के रूप में माता सावित्री बाई फूले जी ने उनका कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। और जब 28 नवंबर 1890 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के बाद माता सावित्री बाई फूले ने सत्य शोधक समाज को लेकर आगे बढ़ी और समाज में बहुत बड़े स्तर पर काम किया। और 1857 में प्लेग की बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल गई थी और सावित्री बाई फूले लोगों के बीच में जा जाकर जिस तरह से उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थी, उनकी सेवाएं कर रही थी, उनको दवाई देने का काम कर रही थी और उन्हीं लोगों के बीच में रहकर साथियों माता सावित्री बाई फूले भी इसी बीमारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितना संघर्ष भरा जीवन रहा माता सावित्री बाई फूले का। तो ऐसी सशक्त महिला और मजबूत महिला को मैं सलाम करती हूं और मैं सत सत नमन करती हूं माली समाज से आने वाली माता सावित्री बाई फूले का, जिन्होंने अपने जीवन में यथासंभव बाल विवाह, सती प्रथा, पाखंडवाद, रूढ़िवाद और न जाने किन किन कृतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़े और इनमें सफलता भी प्राप्त की। और माता सावित्री बाई फूले जी ने ज्योतिराव फूले जी के साथ में मिलकर दो पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक थी काव्य फूले और दूसरी पुस्तक थी बामन कसी सुबोध रत्नाकर। तो साथियों, हमें सीख लेनी चाहिए ऐसी सशक्त महिलाओं से, जिन्होंने न केवल बहुजन समाज की महिलाओं के लिए एक दिशा निर्देश दिया बल्कि भारत देश की समस्त महिलाओं के लिए एक दिशा निर्देश देकर गई, एक आदर्श के रूप में अपने आप को यहाँ पर स्थापित करके गई। और साथियों, सबसे बड़ी बात, माता सावित्री बाई फूले ने 18 स्कूल खोलने का काम किया जो कि आज तक किसी भी महिला ने नहीं किया। तो हमें सलाम करना चाहिए ऐसी सशक्त महिलाओं को। माता सावित्री बाई फूले के नाम पर एक तो सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए और इसी के साथ साथ जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को, वो 5 सितंबर को ना मनाकर बल्कि 3 जनवरी को
घोषित करना चाहिए और इसी के साथ साथ में भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाना चाहिए। ये मेरी खासकर अपील है केंद्र की सरकार से, क्योंकि केंद्र की सरकार भारत रत्न जैसे अवार्ड ऐसे लोगों को देती नजर आती है जिनका कि हम देखते हैं कि ना तो इस देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और ना ही किसी तरह से उन लोगों ने ऐसे काम किए कि जिससे कि उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं माली समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों जब तक आप अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे, उनको प्रचारित नहीं करेंगे और इस सरकार से भारत रत्न अवार्ड की मांग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने महान पुरुषों को सही रूप में आदरांजलि नहीं दे पाएंगे। और जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष रहा और जिस तरह से इस देश की महिलाओं के लिए उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए, तो यहाँ पर दायित्व बनता है भारत देश की समस्त महिलाओं का कि वो माता सावित्रीबाई फुले के चरित्र को पढ़े और जाने कि माता सावित्रीबाई फुले ने आखिर कितने बड़े बड़े आंदोलन किए और कितने बड़े बड़े काम किए और उन्हें अपना आदर्श मानकर समाज में उनके द्वारा गए कामों को प्रचारित और प्रसारित करें और यथासंभव जितना हो सके हमें उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ताकि फिर से मनुवादी विचारधारा के लोग हम पर हावी ना हो सके। और यहाँ पर फिर से मैं एक बार समस्त देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ और उनके जीवन से बहुत बड़ी सीख लेने की एक अपील करती हूँ कि उनके जीवन से सीख लेकर साथियों उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ।